कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में राजवीर पलकी के बीच में क्या दूरियां आ जाएंगी, क्या नेगेटिव किरदार में नजर आने वाला है राजवीर, और आखिर में क्या यहां पर राजवीर का नजरिया सही है फिर गलत, और क्या सच में शौर्य पॉजिटिव बनने वाला है यहां पर। आखिर में यहां पर कई सारे ऐसे आप सबके सवाल है, और उसके साथ साथ आने वाले एपिसोड में क्या खास होगा, चलिए सारी बातें बताएंगे। लेकिन उसे बताने से पहले वेलकम टू ईशानी वीडियोस, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कुंडली भाग्य से रिलेटेड एक सबसे बड़ी अपडेट जो कि आप सबको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। आप सभी के सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिर में कुंडली भाग्य में होने वाला क्या है। लेकिन उससे बताने से पहले आप सब जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और आप सबका लाइक हमारे लिए रिवॉर्ड है। तो अगर आप लाइक करेंगे हमें एप्रिसिएशन मिलेगी और आपको जल्द से जल्द ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। बात करते हैं आने वाले एपिसोड के बारे में, तो आप सबको चौंकाने वाला खुलासा होते हुए दिखाई देने वाला है, जहां पर राजवीर अपने भड़ास निकालने वाला है करण के पास में जाकर। करण बेहोश है लेकिन उसे थोड़ी बहुत बातें सुनाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ निधि का इतना इमोशनल और मेलो ड्रामा चालू है कि आखिर में अगर करण उसे नहीं मिला तो वो मर जाएगी, और उसके साथ साथ ये मेलो ड्रामा वो कर रही है अपने यहाँ पर खास चहीते जिनको मैनिपुलेट कर चुकी है। एक तरफ शौर्य, दूसरी तरफ करीना हुआ। अब आखिर में दोनों यहाँ पर संभालने में लगे हुए हैं, यहाँ पर अब किसी और को नहीं बल्कि यहाँ पर निधि को, और निधि को संभालते वो भूल चुके हैं कि आखिर में करण भी यहाँ पर पूरी तरह से बीमार है। और उसके साथ साथ अब आने वाले एपिसोड में आप सबके लिए काफी ज्यादा बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब यहाँ पर प्रीता खून का इंतजाम करने जाएगी। खून का इंतजाम नहीं कर पाएगी, वो गुस्से में आकर अपने ही नस काट लेगी। अब आखिर में खून का इंतजाम करने गए थे भाई, तो खून का इंतजाम करना चाहिए था, अपनी नस काट ली, अपना ही खून बहा दिया। अब आखिर में आने वाले एपिसोड में और भी बड़ा ट्विस्ट आएगा, जहां पर प्रीता अब इमोशनल ब्लैकमेल करेगी वो भी राजवीर को कि आखिर में आओ तुम, नहीं तो मैं यहां पर अपनी जान दे दूंगी, और वो जान दे भी देती है। राजवीर आता है अपनी मां को बचाता है, और उसके साथ साथ वो करण के पास में जाकर अपनी भड़ास निकालता है। और अब आने वाले एपिसोड में राजवीर के मन में एक सबसे बड़ा सवाल आने वाला है कि आखिर में वो ये ऐसे कब तक चल दे देगा, क्या उसे बात माननी पड़ेगी, क्या उसे सच्चाई बतानी पड़ेगी अब यहां पर प्रीता को, या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राजवीर सच्चाई बताएगा प्रीता को, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना मत भूलना।